वीडियो के नीचे दिए गए इस रेड बटन को दबा के सब्सक्राइब कीजिए स्मार्ट गाइड एंड टेक न्यूज इन हिंदी को और इस बेल आइकन को दबाइए हमारे लेटेस्ट वीडियोज सबसे पहले देखने के लिए। आप राजस्थान पत्रिका के फेसबुक पेज पर लाइव हैं और आप देख रहे हैं नागौर जिला स्टेडियम में आयोजित सेना भर्ती रैली का ये नज़ारा। डीडवाना ब्लॉक के अभ्यर्थियों की आज दौड़ की जा रही है। आना नहीं है इनम भाई का बाहर ही है तीन राउंड पूरे हो चुके हैं इस ग्रुप के और ये चौथा राउंड जो फाइनल है वो पूरा होने वाला है। आप देख सकते हैं कि इस ग्रुप में कितने युवाओं ने दौड़ पास की है, हम सीधा आपको दिखाएंगे। अभी चौथा राउंड पूरा होने को है और अब आप देख सकते हैं यहाँ पर ये देखिएगा ये फोर्थ राउंड कंप्लीट और ये ग्रुप फर्स्ट में फर्स्ट है ये देखिएगा। आप देख रहे हैं ये देखिएगा ये सेलेक्टेड बंदे हैं जिनको जिन्होंने दौड़ पूरी कर ली है ये देखिएगा।
इस बैच में से इन युवाओं ने दौड़ पूरी की है। एक लड़का था जो दौड़ पूरी कर ली लेकिन आगे आगे गिर गया था, वो भी रह गया इस बार। इसमें है साफ देख सकते हो। अरे मैं बोला ना, ये लड़का था फर्स्ट नंबर आया लेकिन यार खड़ा हो गया, वो गिर गया वहाँ पर आगे रस्सी के अंदर ही गिर गया था, खड़ा ही हो गया। वो तो बोला अंदर चला जा, नहीं अंदर जा रहा, नहीं मानते, नहीं मानते ये मानते। यहाँ पर आर्मी ऑफिसर से इनको बेल्ट नंबर दे रहे हैं। तो ये आपने देखा यहाँ पर जो अभी इस ग्रुप की दौड़ हुई थी। अब आपको दिखाते हैं स्टेडियम में और जो एक्टिविटीज की जा रही हैं, कहाँ पर क्या किया जा रहा है। अब भी आ जाएंगे ना। अब आप देखिए यहाँ पर ये इनके युवाओं के जो डॉक्यूमेंट्सों की जांच की जा रही है यहाँ पे। यहाँ ये जो युवा आप देख रहे हैं इन्होंने दौड़ पास कर ली है और इधर आप देख सकते हैं ये ए टीम सुनो, इधर इधर साहब के पास आते हो ना। यहाँ पर युवाओं से बीम निकलवाई जाएंगी। ये वो युवा हैं जो अपनी दौड़ पूरी कर चुके हैं। और आप उधर देख सकते हैं कि वहाँ पर जो बैलेंसिंग है वहाँ से उस प्रक्रिया से गुजरकर युवा आ रहे हैं। ये वो सभी अभ्यर्थी हैं जिन्होंने दौड़ पास कर ली है। इस बार वो आउट होंगे ना, तो इस बार आउट जो आउट होने वाले वही। तो आप देख रहे हो राजस्थान पत्रिका के फेसबुक पेज पर सेना भर्ती रैली का पूरा लाइव प्रसारण। नहीं है।
अभी ये जो युवा देख रहे हैं ये वो युवा हैं जिन्होंने अभी अभी दौड़ पूरी की थी और अब इनको चेस्ट नंबर दे दिए गए हैं, यानी इनको चिन्हित किया गया है कि इन्होंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है। इन सभी को चेस्ट नंबर दे दिया है, इन्होंने दौड़ पूरी कर ली है, ये देख सकते हैं आप। इस ग्रुप में बताया जा रहा है कि 50 से अधिक युवाओं का चयन हुआ है। आपने देखा अभी तक कि फर्स्ट यहाँ पर न्यू बैच यहाँ से रनिंग कराई जा रही है, उसके बाद में जो फेलियर अभ्यर्थी हैं उनके लिए एक अलग ब्लॉक बनाया हुआ है, वो हम आपको दिखा देते हैं। ये आप सामने देख रहे हैं जो टेंट लगा हुआ है, ये क्षेत्र फेलियर अभ्यर्थियों के लिए है, जो दौड़ में फेल हो रहे हैं उनको यहाँ अलग बिठाया जा रहा है। और ये जो क्षेत्र है आप देख रहे हैं, यहाँ पर जो पास होने वाले हैं फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप में अभ्यर्थियों को बैठाया जाता है, उसके बाद में ये फेलियर कैंडिडेट्स को आउट किया जा रहा है। और जो सेलेक्टेड बंदे हैं जिन्होंने दौड़ पूरी की है उनको चेस्ट नंबर देने के बाद में नेक्स्ट प्रक्रिया के लिए यहाँ भेजा जा रहा है, जहाँ पर इनके डॉक्यूमेंटों की जाँच की जा रही है व अन्य प्रक्रियाओं से पूरी की जा रही हैं। टाइम लगेगा क्या नेक्स्ट बस आने में? काम लगेगा। हमने आपको स्टेडियम में होने वाली सेना भर्ती रैली की सारी गतिविधियां का लाइव प्रसारण दिखाया है, और अभी हम जिनकी बात कर रहे थे कि जो फेलियर कैंडिडेट हैं उनको यहां से आउट किया गया है, और आप देख सकते हो कि ये यहां पर न्यू बैच है जिसको अभी ट्रैक पर दौड़ाने के लिए लाया जाएगा। ये यहाँ पर यदि भर्ती के दौरान कोई कैंडिडेट्स चोटिल हो जाता है तो उसके लिए एम्बुलेंस की सुविधा भी है, वह चिकित्सा की टीम यहाँ पर मौजूद है। आज डीडवाना तहसील के युवाओं की दौड़ है, और अभी हमने आपको लाइव प्रसारण दिखाया था किस तरह से यहाँ पर युवाओं को दौड़ाया जा रहा है, युवाओं में जोश देखने को मिल रहा है। सर देखिए, ये अब नया बैच है जो दौड़ने के लिए ट्रैक पर पहुंच रहे हैं, तो आप देख सकते हो कि दौड़ने से पहले भी युवाओं में किस तरह से जोश व जज्बा दिखाई दे रहा है, ये देखिएगा। ये युवा दौड़ने के लिए अभी ट्रैक पर पहुंचे हैं, अभी कुछ ही देर में इनकी दौड़ शुरू की जाएगी। पीछे
अभी कुछ ही देर में इस बैच को दौड़ाया जाएगा। प्रकट करता हूँ कि सेना द्वारा संचालित रैली में मैं स्वेच्छा से भाग ले रहा हूँ। इस प्रक्रिया के दौरान मुझे किसी भी प्रकार की चोट या शारीरिक क्षति पहुँचती है तो उसके लिए सेना पर कोई दावा नहीं करूँगा। मैं समझता हूँ कि इस प्रक्रिया के दौरान मैं शारीरिक ये सहमति पत्र है चिकित्सा प्राचार्य द्वारा दिए गए वक्तव्य को संपूर्ण रूप से स्वीकार करूंगा। भारत माता की अभी कर्नल आएंगे और इनको दौड़ने के लिए रेडी और गो करेंगे। ये देखिए कर्नल साहब आ चुके हैं और अभी युवाओं को दौड़ शुरू किया जाएगा। ये देखिए शुरू देखिएगा ये किस तरह से युवाओं में जोश व जज्बा देखने को मिल रहा है। आज डीडवाना तहसील के युवाओं की दौड़ है। अब हम आपको ले चलते हैं फेलियर कैंडिडेट्स की ओर। देखिए ये वो कैंडिडेट हैं जो सेकंड राउंड में फर्स्ट राउंड में ही फेल हो चुके हैं। देखिएगा ये जो टेंट के पास बैठे हुए हैं युवा, ये पहले व दूसरे राउंड में ही बाहर हो गए हैं। वहीं आप देख सकते हैं जो तीसरे राउंड की शुरुआत होने वाली है, ये युवा है जो सभी को लीड देकर आगे चल रहा है। देखिएगा ये देखिएगा उधर आप फेलियर्स भी देख सकते हो। ये तीसरा राउंड अभी शुरू हुआ था और आप देख सकते हैं कि फेलियर्स की संख्या कितनी हो गई है। अब हम आपको करीबी से दिखाते हैं इन युवाओं को जो दो